कोहरे का असर पूरे उत्तर भारत में है, खासकर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत फिलहाल कोहरे की चपेट में है। सर्द हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी पर असर हुआ है, उसकी वजह से कई सारी जो ट्रेनें हैं वो भी काफ़ी कई घंटे से लेट चल रही हैं, या फिर जो फ्लाइटें हैं वो भी अपने समय से उड़ान नहीं भर पा रही हैं। क्या कुछ तस्वीरें अभी फिलहाल हम IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आप मेरे बाईं ओर स्क्रीन पर देख पाएंगे। आपको यहाँ पर फ्लाइट दिखाई पड़ेगी जो पटना जाने वाली है या शारजा जाने वाली है, वो देरी से चल रही है। ऊपर गुवाहाटी की जो फ्लाइटें हैं वो देरी से चल रही हैं। इसके अलावा आपको हम जयपुर और जो गोवा की जो फ्लाइट है जो जाएगी, वो भी यहाँ पर सुबह 11 बजे उससे निकलना था, लेकिन शाम को अब वो 6:05 पर निकलेगी। तो ये 5-6 घंटे की देरी से जो फ्लाइट है, इधर बगल में आप इंदौर और ग्वालियर जाने वाली जो फ्लाइट है वो भी 1.5 घंटे तकरीबन देरी से जो चल रही है। और इसके अलावा जो यात्री सफ़र करते हैं उन्हें किस तरह की जो परेशानियां हो रही हैं, खासकर सर्दी का मौसम है, कोहरे की वजह से जो फ्लाइटें डिले हो रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जैनील। ये बताइए, आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना था? तो हमारा कल बम्बई से दिल्ली का फ्लाइट था, जो 6 बजे वहाँ से निकलना था, 8 बजे दिल्ली पहुँचना था। जो हमें बाद में वो जयपुर ले गए, क्योंकि दिल्ली में पायलट क्वालिफाइड नहीं थे लैंड करने के लिए, जबकि बाकी सारे विस्तारा वगैरह सारे लैंड कर रहे थे, और एयर इंडिया हमारा ले गया हमें जयपुर। क्या रीजन क्या बताया गया कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, या फिर किस तरह की ठंडी है, विजिबिलिटी साफ नहीं है, इस वजह से हम फ्लाइट इधर जयपुर लैंड कर रहे हैं? तो ये है ना, ऐसा हुआ कि बम्बई जी दिल्ली एयरपोर्ट ने ना सुबह सुबह ही बता दिया था आज पूरे दिन कोहरा रहने वाला है। तो हमें लगा भाई एयरलाइन तैयार रहेंगी इन सब के लिए, लेकिन बम्बई से तो उन्होंने हमें बिठा दिया, फ्लाइट भी आधे घंटे ही लेती हमें, बड़ा चलो ठीक है। जयपुर ऊपर हमें आधा घंटा उड़ाया, तब पायलट बोला कि अब कोहरे की वजह से है, अब हमें लैंड करने नहीं दे रहे, हम जा रहे हैं जयपुर। जयपुर लैंड करके हमें फ्लाइट में एक एक नहीं 2 घंटे तक बिठा के रखा, हमें लगा यहाँ से निकाल के फिर ले जाएंगे, तब बोलते कि एयरपोर्ट बंद हो गया है। तो सारे यात्रीगण सब बोले कि भाई एयरपोर्ट एयरपोर्ट तो बंद नहीं हुए, आप झूठ बोल रहे हो। तब जाके बोले कि अरे हम लोग क्वालिफाइड नहीं है लैंड करने के लिए, बाकी सारे हैं। तो फिर आप जयपुर उतर गए, फिर आप जयपुर से फिलहाल दिल्ली कैसे आए? फिर जयपुर उतर के हम काफ़ी 5-6 एयर इंडिया के फ्लाइट वाले सारे 3-4 घंटे तक एयरपोर्ट पे थे। पानी की सुविधाएं नहीं की गई थी, खाने पीने की सुविधाएं रात के 3:30 बजे की गई, जो फ्लाइटें 8 बजे की लैंड की हुई है उनको 3:30 बजे रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे, कोई जवाब नहीं दिए जा रहे। बोल रहे हम आपकी होटल होटल बुक नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फ्लाइटें नहीं है आपको दिल्ली पहुंचाने के लिए, बस बस में है, कोहरे में आपको हाईवे में जाना पड़ेगा, हमें पता है पूरा, हमें हाईवे पे कोहरा दिखा है, बस वाला की वजह से हम जिंदा आए, बाकी हम ना आ पाते। आपको कल पहुंचना था वो आप आज सुबह आप आ पाए हैं? हमें दिल्ली इधर आना था, बस ने आज पहुंचाया दिल्ली, हम कल शाम को आने वाले थे, आज सुबह आए 10 बजे। सोचो 1 घंटे का सफर, आप तकरीबन 24 घंटे सफर कर, 10 घंटे रात का सफर एक्स्ट्रा, और उसका कोई भरपाई नहीं, या फिर कोई आंसर नहीं, या कुछ भी। तौर से जिस तरह से कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत फिलहाल है, और उसके वजह से जो ट्रेन और फ्लाइटों की जो देरी है वो भी हो रही है, और जिसके चलते जो यात्री हैं वो भी तमाम सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई परेशानियों का सामना हो रहा है। जो फ्लाइटें हैं वो विजिबिलिटी कम होने की वजह से सही जगह लैंड नहीं कर पा रही हैं, या फिर देरी से चल रही हैं, तो तमाम तरह की जो समस्याएँ हैं, परेशानी हैं, उनका सामना जो यात्रियों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़ दिल्ली।